subscribe to Khabar Update and press the bell icon for never miss any news. भारत में प्याज की बढ़ी कीमतें अब अंतर्राष्ट्रीय मुद्दा बन गई है। भारत द्वारा प्याज का निर्यात बंद करने से सबसे ज्यादा प्रभावित बांग्लादेश हुआ है। बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना ने खुद ये बात कही है। दरअसल बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना इन दिनों भारत दौरे पर है। शुक्रवार को वो भारत बांग्लादेश बिजनेस फोरम को संबोधित कर रही थी। इस दौरान शेख हसीना ने कुछ ऐसा कहा जिसे सुनकर वहाँ बैठे लोग हैरान रह गए। हसीना ने कहा कि प्याज से थोड़ी दिक्कत हो गई हमारे लिए, मुझे मालूम नहीं क्यों आपने प्याज भेजना बंद कर दिया। थोड़ा सा नोटिस अगर दे देते तो दूसरी जगह से ला सकते थे। मैंने कुक को बोल दिया अब से खाने में प्याज डालना बंद कर दो, आगे से अगर किसी भी तरह से ऐसा कुछ करना है तो हमें थोड़ा पहले बता देना। शेख हसीना से ये बात हिंदी में सुनकर वहाँ मौजूद लोग भी हैरान रह गए। आपको बता दें कि भारत प्याज का सबसे बड़ा निर्यातक है। यहाँ से 60 से ज्यादा देशों में प्याज का निर्यात किया जाता है, लेकिन देश में प्याज की बढ़ती कीमतों को देखते हुए सरकार ने राज्य सरकार को प्याज के भंडारण को लेकर सख्त निर्देश जारी किए हैं और 29 सितंबर को वाणिज्य उद्योग मंत्रालय ने हर तरह के प्याज के निर्यात पर रोक लगा दी थी। प्याज का निर्यात रुकने पर शेख हसीना का ऐसा बयान आया है। बहरहाल विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रवीश कुमार ने इस मामले पर कहा कि हम कोशिश कर रहे हैं कि प्याज पर बांग्लादेश की प्रधानमंत्री ने जो चिंताएं जाहिर की है उनका समाधान किस प्रकार से किया जा सकता है। टीम खबर अपडेट।